हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो एक चीज के बारे में काफी हद तक मैंने लोगों के क्वेश्चंस देखे हैं या मैंने जनरली लोगों का व्यू पॉइंट भी देखा है, वो इस चीज पे कि ढोलेरा क्या एक फेल स्मार्ट सिटी बन के रह गई है। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो बनने वाली थी, उसमें जो प्रोमिसेस किए गए थे, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो प्रोमिसेस वो सिटी डिलीवर कर रही है। तो क्या सच में ढोलेरा एक फेलियर बन के रह गया है? तो इसका आंसर देखो, शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक्चुअली नहीं, ढोलेरा एक प्लान्ड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ये बात जरूर है कि ढोलेरा ने जितने इन्वेस्टमेंट जितने टाइम लिमिट में उठाने की सोची थी, वो वैसा नहीं कर पाई। इन्वेस्टमेंट ढोलेरा उतना नहीं उठा पाई, काफी कम इन्वेस्टमेंट वहां अभी आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ढोलेरा पूरी तरह से फेल हो चुका है। देखो, किसी भी प्लान सिटी को एक दो साल या पांच साल का सोच के नहीं बनाया जाता, बल्कि प्लान सिटी का मतलब यही है कि अगले 50 साल 100 साल वो सिटी कैसी रहेगी, कौन सी जगह सही रहेगी उस सिटी को बनाने के लिए, बाहरी सिटी से उसकी कनेक्टिविटी कैसी होगी, इंटरनल सिटी के अंदर कनेक्टिविटी के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा, एक एक चीज सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है एक इंसान के भी उस सिटी में शिफ्ट होने से पहले। ढोलेरा के लिए भी एस्टिमेशन जरूर थे कि वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लेगी, और बीच में जब थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से ढोलेरा ना आके इधर उधर कहीं और चले गए, तो लोगों को लगा शायद ढोलेरा का फ्यूचर कुछ नहीं है और ये सिटी कभी उस ग्रैंड लेवल पे तैयार नहीं होगी जैसा सोचा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ढोलेरा में इस वक्त काम धीरे धीरे ही सही है लेकिन कम्प्लीट हो रहे हैं। ढोलेरा का जो मेन एयरपोर्ट है, उसमें काफी हद तक काम हो चुका है। पहला जो 4000 मीटर का रनवे है, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। पानी और एनर्जी जो मेन जरूरत है, उसके लिए रेनू पावर की एक 100 एकड़ के अंदर फैक्ट्री शुरू होने जा रही है। ढोलेरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मेन जरूरत है, वो कंप्लीट हो गया है। सोलर पार्क का एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिवर फ्रंट का काफी हद तक का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या ढोलेरा को टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? हाँ, ढोलेरा को बहुत टाइम लगेगा। और एक चीज ढोलेरा को अभी करनी होगी, वो ये कि ढोलेरा बनेगा क्या। जैसे गिफ्ट सिटी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इससे उसकी एक अलग पहचान है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है, इससे उसकी एक अलग पहचान है। ढोलेरा किस बेसिस पर अपनी पहचान बनाएगा? ढोलेरा को इन्वेस्टमेंट चाहिए है, वो एक सेमीकंडक्टर हब की तरह ढोलेरा उभरना चाहता था, लेकिन फॉक्सकॉन और वेदांता का इन्वेस्टमेंट आना था ढोलेरा में, जो नहीं आया। तो यही चीज है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ढोलेरा को डेवलप करने के साथ साथ उसको एक फिक्स डायरेक्शन देना पड़ेगा कि इसे कैसे ग्रो किया जाए। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ढोलेरा फेल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ढोलेरा को डेवलप करने में, उसको उतना ग्रैंड बनाने में जितना सोचा गया है, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। और होप सो ढोलेरा हमें वैसा देखने को मिलेगा एक दिन जैसा हमें बताया गया है। इकोसिस्टम तैयार करना बिजनेसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे जरूरी है इस वक्त ढोलेरा के अंदर, जो अगर सही से हो गया तो डेफिनेटली ढोलेरा एक बेहतरीन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन के उभर सकता है। बाकी आपको कुछ कहना हो इससे रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी राय। मैंने तो बस ये क्वेश्चन देखा, सोचा बता दूं कि नहीं, एकदम फेलियर ढोलेरा को हम अभी नहीं कह सकते हैं। बाकी आप जो सोचे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलूंगा फिर से किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।